करुणामयी वरदायिनी कर कमल बीड़ा धारिणी माँ सरस्वती माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती माँ सरस्वती सा सात स्वर में निवास है जेरा में धरा आकाश है गगा गाय गुण गंधर्व गण मम है लोभि निवारिणी माँ सरस्वती माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती माँ सरस्वती पाप पवित्र पावन पाविनी धद धवल वस्त्र सुशोभिनी नीनामन करे ऋषि देव मिल गुणिजन की वो हितकारिणी माँ सरस्वती माँ सरस्वती ओ माँ सरस्वती माँ सरस्वती माँ सुरताल मेरा संवार दो अब सरल का कर उद्धार दो मसुरताल मेरा सवार दो अब सरल का कर उधार दो लखा की वाणी में माँ वसो हे सार दे हंसे वाहिनी दीप जले हैं सो मत जाना मिलकर करना रखवाली फूल खिले हैं चप्पे चप्पे सावधान रहना माली आवाजे कुछ करते जाना तब गुलशन मस्काएगा चलो बजा दो फिर से मिलकर एक बार कर करता है। सरस्वती वंदना के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। तो स्वागत के इस कार्यक्रम में अगली कड़ी में मैं मुख्य अतिथि जो कि डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सर हैं उनके स्वागत के लिए बैज अलंकरण के लिए मैं रोहित कुशवाहा को आमंत्रित करता हूं कि रोहित कुशवाहा आए और हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सर उनका बैज अलंकरण करके स्वागत करें। रोहित कुशवाहा अतुल कुमार दुमेली के स्वागत करने के लिए मैं आपकी आगमन पर शुभम स्वागतम आपकी आगमन पर शुभम स्वागतम किस कदर आपका हम स्वागत करें किस कदर आपका हम स्वागत करें आपकी आगमन पर शुभम स्वागतम पुष्पों का हार हमने चुन के बनाया है अपने गुरु जी को मन में बसाया है आप आ गए जिसकी हमको कब से तलाश थी आपके आने पर पुष्प बिखरने लगे आपके आगमन पर शुभम स्वागतम आपके आगमन पर। के लिए हमने आपको एक ट्रेनिंग के रूप में समर साहू को आमंत्रित किया हुआ है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना क्योंकि समय बहुत हो चुका है तो ज्यादा समय नहीं लेंगे साथ में अपने पूरा जो भी उनका वक्तव्य है प्रस्तुत करेंगे ट्रेनिंग के रूप में यही पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून और यहाँ पर सभा में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश सर और यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर हलीम सर और डॉक्टर अतुल सर और मैं आज इस सभा का प्रतिभागी बनकर एक गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस सभा का आज एक हिस्सा बन गया हूँ और सर ने मुझे आज यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए इनवाइट किया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो दिन है वो हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानने वाले हैं क्या होती है सड़क सुरक्षा और उसके बारे में जानेंगे
और यह अभियान कब से चलाया जा रहा है और जागरूकता अभियान कितने दिन का चल रहा है आप सब आज ही जानेंगे। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का सड़क सुरक्षा जागरण अभियान। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 2004 में WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी थी 2004 में कि उसमें एक रिपोर्ट जारी करी थी कि 5 करोड़ लोग घायल हुए थे और लगभग 14 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। वो किस कारण हुई थी? आपकी सड़क सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए उनका अवहेलना करने पर उनके नियमों का। तो और इससे भी ज़्यादा बात आपको बताऊं जो आपको सुनने में कष्टदायी होगी, वो जो मरने वालों की जो एज थी वो थी आपके 10 से 19 साल। कितनी थी? 10 से 19 साल। आप लोग सोच सकते हैं कि 10 से 19 साल के जो एज वाले लोग हैं उनमें या तो उनके पास योग्यता नहीं है वाहन को चलाने के लिए, और है भी तो वो सही से उस चीज़ को चला भी पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि 10 से 19 साल के लड़का या जो भी चालक होगा और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप सोचिए जरा कि मान लीजिए किसी के घर का लड़का 10 से 19 साल के बीच में रहा होगा, 17, 18, 19, 20 साल का, और उसकी मृत्यु हो जाती सड़क दुर्घटना में, तो क्या बीतती होगी उसके घर वालों के ऊपर? सोचने वाला सब्जेक्ट है कि 10 से 20 साल या 25 साल का भी मान लीजिए रहा होगा तो एक सोचने वाला सब्जेक्ट है कि आखिरकार ये इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। आप लोग तभी सोचिए कि ये मौतें हो क्यों रही हैं, वो भी सड़क दुर्घटना में। तो कहीं ना कहीं इन सब का कारण है कि हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, हम लोग जागरूक नहीं है। ज्ञान भी है लेकिन उन चीज़ों पे हम अमल नहीं करते हैं, जो हमें पता भी है फिर भी हम उनको नहीं देखते हैं, हम उनको नहीं समझते हैं। हम जानते हैं कि लाल का मतलब होता है कि रुक जाए, सिग्नल कहीं पे है, फिर भी हम चले जाते हैं, उनको हम देखते ही नहीं हैं कि ये रुकने के लिए बोल रहा है तो रुके यहाँ पर। हमारे अंदर मतलब कह सकते हैं आप कि ठहराव नहीं है, हम रुकना नहीं चाहते हैं, हमारे अंदर एक होड़ लगी है, हमें आगे निकलना है। तो इन सभी चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। रोड पे चलते हैं जब तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कारण हैं, एक कारण तो है नहीं है सड़क दुर्घटना के। जैसे आप पहली कारण ले लीजिए, आप कोई मोटर बाइक वाला है या कार चलाने वाला है, उसने मोटर बाइक वाले ने ना तो हेलमेट पहन रखा है और कार वाले ने ना सीट बेल्ट लगा रखा है, वो भी सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक, दूसरा कारण है कि जो ट्रक होते हैं आप देखते होंगे वो ओवरलोड बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवरलोडिंग के कारण भी बहुत सारे हमारे देश में ये एक्सीडेंट होते हैं। पैदल चलने वालों के कारण भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, और जो बस होती हैं, टेम्पो होते हैं, इनमें ओवर सवारी मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को बैठा लेते हैं, जितनी उसमें क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा बैठा लेते हैं, ऊपर नीचे हर जगह लटका लेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट होने के। तो इन सभी चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा, उसके लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम है लेकिन उनमें कोई अमल ही नहीं करता तो क्या हो सकता है। तो उनको हमें अमल करेंगे लेकिन उनको क्या करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। जब हम उनको जागरूक करेंगे तभी इन चीज़ों में थोड़ी बहुत कमी लाई जा सकती है, एकदम से तो कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर हम लोग जागरूक होंगे, हम बताएंगे किसी और को, आप किसी और को बताएंगे, तभी इन चीज़ों में धीरे धीरे हम कमी ला सकते हैं। और अगर बात करें कि हम इनको और कैसे कम कर सकते हैं, मतलब ये तो हमने कारण जान लिए कि क्यों होते हैं, अब देखा जाए कि हम इनको कम कैसे करेंगे। मान लीजिए तो हमको ये सजेस्ट लोगों को करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें हेलमेट लगा के चलना है, बिना हेलमेट के नहीं चलना है, कार में जब कार को ड्राइव करें तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। ट्रक वालों को उनको भी सजेस्ट करना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा, या उनके लिए रूल तो है ही पहले से लेकिन उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप ओवरलोड लेके ना चलें।
ठीक इसी तरीके से अब जैसे कि भारत में हम देखिए जानते हम हर चीज है, इनमें से जितनी बातें मैंने बताई आप में से मुझे नहीं लगता कि कोई ना जानता होगा, लेकिन इनमें अमल करने की बात है, मैं वही बात पे फोर्स कर रहा हूँ कि उसको हमें क्या करना है, अमल करना है उस बात पे। हमें जागरूकता अपने अंदर लानी है, अगर जागरूकता नहीं लाएंगे तो हम चाहे जितनी भी बातें कर लें कोई मतलब नहीं है उसका, अगर जागरूकता नहीं आई तो उसका कोई भी अर्थ निकलने वाला नहीं है। तो आज इस सभा में हम यही सीखेंगे कि हमें जागरूकता जागरूक पूर्ण एक नागरिक बनना है और लोगों को जागरूक करना है। तो मैं आपको कुछ यातायात के नियम की समझा दूं दो चार जो है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम कहीं बाजार में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी बाइक या कार से जाते हैं, ठीक। तो जब भी हम जाते हैं तो अपने जो बाइक या कार होती है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको एक पार्क कहाँ भी पार्क करना चाहिए जहाँ पे उचित जगह हो पार्किंग की। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी उसको पार्क कर दें, उससे होता क्या है आप तो कर देंगे लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसको बड़ी समस्या होती है, ठीक। तो दूसरों को समस्या ना हो इस वजह से हमें सही जगह पे अपनी कार या गाड़ी को पार्क करना चाहिए, ठीक। एक होता है आपका यू टर्न, के बारे में आप सब जानते होंगे ना। तो यू टर्न क्या होता है, यू टर्न जैसे हम किसी रोड पे चले जा रहे हैं, बाद में हमें पता लगा कि नहीं यार हमें इधर से नहीं जाना था, हमें तो पीछे से मुड़ना था, तो हम क्या करते हैं उसी रोड पे मुड़ के हम वापस आने लगते हैं, जो कि ये गलत है। इससे आपका समय बर्बाद होगा, जो दूसरे लोग हैं उसको उसका भी बर्बाद होगा। तो हमें करना क्या है कि आगे आपका यू टर्न होता है तो देख करके हमें कुछ दूरी और आगे चल के उसी रोड पे हमें वहां से मुड़ना है, हमें उसी रोड पे मुड़ के नहीं आना है, ठीक। फिर आपको मैं कुछ जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं और जो चिन्ह होते हैं उनको मैं अपने टैबलेट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए है नहीं तो मैं केवल इसी से आपको दिखाऊंगा और उनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि पता होता नहीं है हमको कि इस साइन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं तो सामने कोई आपको चिन्ह दिखा, साइन दिखा रोड का या ट्रैफिक रूल का, लेकिन हमें उसका पता नहीं है तो हम उससे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको सारे साइन जो भी होते हैं ट्रैफिक सिग्नल उन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक। आपको ये चिन्ह दिख रहा है, देखिए भाई ध्यान से देखिए, इसकी फोटो भी ले लो। तो कौन बात है राखी, बातचीत निकलो बेटा, अब ध्यान निकालो, अब दिख रहा है सबको, देखिए इसको देखिए। तो आप लोग बता सकते हैं किसका साइन है, लेफ्ट और राइट? नहीं लेफ्ट राइट तो है लेकिन कुछ तो है उसमें, देखिए सुनिए सुनिए सुन लो, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, हम तो जाए बस चले जा रहे हैं और बस ये ना थोड़ा सा ये चीज समझ, ये जो दिख रहा है ना आपको ये लेफ्ट और राइट दिख रहा है, यानी एक जाने की रोड है एक आने की रोड है। तो अगर ऐसा चिन्ह आपको कहीं दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि जाने वाली रोड, ये जाने वाली, ये प्रतिबंध है, यानी देखिए इसमें क्रॉस लगा है और केवल आप उधर से आ सकते हैं, यानी जाने वाली रोड आप जैसे जा रहे हैं और आपको साइन दिख दिया तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस रोड पे ना जाए, ये आगे बंद हो सकती है या बंद होगी ही अगर बोर्ड लगा है, वहां से केवल आप आ सकते हैं, ठीक। इसके आगे
ऐसा ही चिन्ह ये है, सेम उसी का उल्टा। इसमें केवल जा सकते हैं, आ नहीं सकते उधर से। ओके, एक चिन्ह ये आप देख पा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये बताइए मोड़ है, कौन सी मोड़ है? कोई बता सकता है क्या? लेफ्ट मोड़ने की रास्ता थी वो बंद। अच्छा बिल्कुल, आप क्या है अपने बाएं हाथ में नहीं मुड़ सकते, इसका मतलब ये हुआ आप बाएं हाथ में नहीं मुड़ सकते। बाई तरफ का मोड़ तो था पर बंद, मुड़ नहीं सकते हैं। और ऐसा ही बिल्कुल उसका उल्टा। अब आप लोग देखते होंगे कि किसी रोड पर एक ऐसा भी साइन होता है और उसमें हम चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो आगे दिक्कत होती है, हमें पता ही नहीं होता कि ये साइन किसका है, पता नहीं होता है फिर भी चले जाते हैं। तो ये है कि आप नहीं जा सकते हैं यहाँ पर, मोटर कार अलाउ नहीं है। ठीक दिख रहा है सबको? जी, आप लोगों को कभी कभी रोड पे ऐसे भी साइन देखने को मिलते होंगे, ये जैसे इसमें किरण दिख रहा है आपको, और इसमें हाथी दिख रहा है, इसमें ये शायद भैंस और गाय वो दिख रही है। ठीक, देखते होंगे आप कभी ना कभी जब यात्रा करते होंगे। आप इधर से मध्य प्रदेश जाइए तो ये बीच का जो एरिया पड़ता है, जैसे पन्ना जाएंगे या टाइगर रिजर्व एरिया ना, मध्य प्रदेश साइड जाएंगे ना वहाँ पर आपको ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सारी चीजें, सेंचुरी जितनी भी है ना, सारी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रेजेंट आएंगे। फॉरेस्ट एरिया में इधर एमपी पड़ता है, जहाँ भी आप फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे इस तरह का साइन आपको मिलेगा। अधिक गति से ना चलाएं, कि अधिक तेजी से ना चलाएं, जानवर जानवर पड़ सकते हैं, ये जानवर आपका क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसे चिन्ह का मतलब ये हुआ जैसा की सर ने बताया बिल्कुल, तो वाहन को अपने नियंत्रित में रखें, ज्यादा तीव्र वाहन ना चलाएं इस एरिया में, क्योंकि वहां पर पशु जंतु आ सकते हैं, इस वजह से तेज ना चलाएं। ओके, फिर है आपका ये भी आपको देखना पड़ेगा क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चिन्ह है। देखिए हम लोग भी सब लोगों को ट्रेनिंग देना है आपको, इधर भी थोड़ा दिखाते जाएंगे, बहुत सारी चीजें हमको भी नहीं मालूम है। ये हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया, तो यहाँ पे बच के चलिए, लाइट्स वगैरह होती रहती है ना एरिया। तो यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को, और ये भी आप लोग बता ही देंगे, देखिए नदी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे नदी मिलने वाली है, बिल्कुल। एक साइन ये बहुत सारे रोड ऐसे होती है जो डामरकृत नहीं हो पाती है, वहाँ कंक्रीट बहुत पड़े रहते हैं, तो वहाँ भी आप स्पीड अपना नियंत्रित रखें, नहीं तो वो जो कंकड़ है उड़ करके या तो आपका शीशा तोड़ेगा या दूसरे को चोट पहुंचाएगा, इसलिए इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपके सामने ये देखिए, तो इस एरिया पर भी हमको, मतलब इस रोड जहाँ पर काम चालू होता है वहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ भी मतलब काम चालू है, कुछ भी हो सकता है, तो उस एरिया में भी हम लोगों को कार या मोटरसाइकिल से नहीं जाना चाहिए। जाए तो अगर रास्ता है तो सहूलियत, अगर रास्ता है। अच्छा, इस चीज़ का क्या मतलब होता है देखिए जरा सर, आगे रास्ता
सकरा रास्ता, या कहीं से कुछ भी है, सकरा रास्ता है, तो अपना इंडिकेटर दें ताकि अगर आगे से वाहन आता हो तो वहीं रुक जाए, आप क्रॉस कर जाए, या पहले वो इंडिकेट करेगा तो आप रुक जाए, वो पहले क्रॉस कर जाए फिर अगला वाहन क्रॉस करेगा, इसका सिंपल ये बता। बगल में स्कूल है, बच्चे क्रॉस कर सकते हैं, अपना स्पीड नियंत्रित रखें। नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि ये रास्ता फिसलन वाली है, फिसलन वाली है या टेढ़ी मेढ़ी, अगर टेढ़ी मेढ़ी तभी गाड़ी फिसलती है। ये साइन हमेशा हिल एरिया में आपको देखने को मिलेगा, कभी आप पढ़ना या कालिंदर साइड में, ठीक है ना, जो स्लीपी एरिया होता है वहाँ पे ये सिग्नल लगा होता है, ताकि जो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हो वही जाए, जो अनाड़ी ड्राइवर हो उस रास्ते पे ना जाए। अच्छा लास्ट आगे चढ़ाई, बिल्कुल सही, आगे चढ़ाई है तो हमें अपने ध्यान में रखकर गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों ने जान लिए, आप सब जानते ही थे, आई मीन मुझे लगता है ऐसा कि ये सारी चीजें आप पहले से भी जानते रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी या पूरी ही जानते रहे होंगे, कुछ कुछ तो कुछ कुछ पिछला है। तो जैसा कि मैंने पहली लाइन बोला कि ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हम ये साइन देख भी लेंगे फिर भी हम अपनी मस्ती में ही आगे बढ़ेंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इन नियमों का पालन करना है, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रोड पे चलते वक्त ध्यान रखना है, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जब और भी बहुत सारे कारण बन जाते हैं, जैसे हम लोग शराब पी के जब गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि दो घूंट शराब के मौत लाएगी पास आपके, दो घूंट शराब के मौत लाएगी पास आपके, इसलिए मौत से दूर रहना है तो शराब पी के गाड़ी न चलाएं, ठीक। फिर अधिकतर होता क्या है कि जब बड़े वाहन क्या जो ट्रक होते हैं बड़े बड़े, वो अधिकतर रात भर चलते हैं या वो रात में ही ड्राइव करते हैं, तो होता क्या है कि सुबह उनकी सबको पता होगा 4 से 5 के बीच में आँख ज़्यादा लगती है, मतलब नींद आती है, तो उसके लिए भी कहा गया है कि नींद की एक झपकी ले आएगी मौत की एक धमकी, नींद की एक झपकी ले आएगी मौत की धमकी, इसलिए आप रात में गाड़ी ना चलाएं, चलाएं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, ठीक। तू छोड़ चिंता ये हम सफर, मस्ती में कटेगा जिंदगी का सफर, तो हमें चिंता करके गाड़ी नहीं चलाना है, चाहे वो सफर गाड़ी का हो या जिंदगी का, हमें मस्ती में चलना है, मतलब मस्ती में केवल जिंदगी में चलना है, गाड़ी में नहीं चलना है, ठीक। उसमें हमें सीरियस होके ही सारे नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है गाड़ी में जब हम बैठते हैं, ठीक। और आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि आज एक दुल्हन विदा ना हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उसका जो दूल्हा था उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, और हम पढ़ते हैं कि जब एक ट्रक वाले ने 15 मजदूरों को कुचल डाला, पढ़ते ना, अधिकतर पढ़ते रहते हैं इन सब चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों में कमी लाने के लिए
हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोगों को जागरूक करें ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनमें थोड़ी सी कमी ला सकें। ठीक, और भारत के लोगों के बारे में पता है आप लोगों को क्या कहा गया है? भारत के लोगों के बारे में कहा गया है कि इनके जो एक्सीडेंट होते हैं उनके मतलब सापेक्ष में कहा गया है, एक्सीडेंट दुर्घटना के सापेक्ष में यहाँ पर इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर होड़ ज़्यादा, मतलब कि आगे निकलने की होड़, केवल गाड़ी में, असल ज़िंदगी में आगे निकलने की कोई होड़ नहीं है उनके अंदर। जब वो गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उनके अंदर होड़ आ जाती थी कि नहीं हमें इससे आगे निकलना है। और क्या है कमी, हमारे भारत देश में लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं? दिखावा। कैसे? जिसके घर में छोटा बच्चा होगा ना, उसको जितना छोटा होगा अगर वो गाड़ी चला लेता है तो उसको पता नहीं क्या समझने लगेंगे कि हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा है, जबकि वो गैर कानूनी है उसे। और ऐसे ही दुर्घटना होती है, ना तो उनके पास लाइसेंस होता है ना तो कुछ होता है, फिर उनको गाड़ी दे दी जाती है और वो चलाने लगते हैं। तो वो भी एक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है कि लोग दिखावे के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर लेते हैं और दूसरे का भी करते हैं। ठीक, तो इसीलिए कहा है कि गर रहोगे शान और दिखावे से दूर, गर रहोगे शान और दिखावे से दूर तो जिंदगी सुरक्षित रहेगी खुद। ठीक, तो जैसा कि आप सब जानते हैं सड़कें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर सड़कें ही ना हो तो हमारा जीवन तो पहले ठीक भी नहीं ज़्यादा। अब सड़कों का विकास मतलब देश का विकास। ठीक, तो सड़कें तो रहेंगी, हम उनमें चलना कैसे है हमारे ऊपर है, हमारे जागरूकता के ऊपर है। ठीक, तो उन पर चलना कैसे है, उनके नियमों का पालन कैसे करना है, वो सभी हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पढ़ भी लेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं जब तक जागरूक नहीं होंगे, इसलिए जागरूक बनिए और बनाइए लोगों को ताकि इन समस्याओं को थोड़ा कम किया जा सके। तो इसके आगे मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जानकारी हुई कुछ नियम जानकारी। सबसे बड़ी बात कि आप लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक हैं, स्वयं सेविकाएं हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तो आप तो खुद इन नियमों को फॉलो करिए। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी हमको बताना है कि भैया आपको पहली बार तो दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना है। सबसे बड़ी बात कि हम जो ओवरटेक करते हैं ओवरटेक में ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाओं में एक चीज़ ये है कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्टैंड बहुत करते हैं, हाथ छोड़ देंगे, बाइक चला रहे हैं और अपना स्टैंड छोड़ देंगे आगे। और मैंने देखा कि तीन तीन लोग बैठे हैं ऐसे बाइक चलाते हैं कि पूरी बाइक तिरछा हो जाती है, मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बाइक ऐसे चलना चाहिए ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं, और खड़े हो जाएंगे बाइक चलाते चलाते हाथ छोड़ देंगे। तो ये सब स्टंट भी आपको नहीं, दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। पैदल चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बाएँ तरफ चलना है, अगर बाएं तरफ नहीं चलेंगे आप पैदल भी जा रहे हैं, अगर इधर उधर मुड़ेंगे तो पीछे से गाड़ी वाला आ रहा है तो वो जरूर है कि आप तो देख करके इधर उधर हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको भी मार सकता है, वो टूट सकता है, ये भी ध्यान देना है। जरा विचार करिए कि जिस व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, देखते हैं कि कई बार पेपर में देखते हैं, आप लोग जा रहे हो तो रास्ते में देखते हैं किसी ट्रक के नीचे कोई साइकिल वाला युवा आ गया है और उसका पूरा वो फिसल, मतलब पूरी उसकी बॉडी उस ट्रक में फिसलती हुई चली जाती है 100-100 मीटर, उसका पूरा जो अंग है सब छत बिछत हो जाते हैं। अब उसके परिवार वालों को जब पता चलता है, उसकी माँ को जब पता चलता है तो अपने उस बच्चे से लिपट के वो रो भी नहीं सकती, क्योंकि उसका शव इतना ज़्यादा छत बिछत हो जाता है कि उसको खुरचना पड़ता है, एक एक अंग बीनने पड़ते हैं, कितना कष्टदायक होता है परिवार को। जरा आप सुनिए, विचार करिए, वो व्यक्ति तो चला गया परंतु पूरे परिवार को जीवन भर की तड़प दे जाता है एक युवा। तो हमको इन बातों को ध्यान रखना है, हम तो चले जाएंगे परंतु अपने पीछे अपने परिवार को जीवन भर के लिए रोने के लिए ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेले है कमाने वाला है
उसके बच्चे हैं, बीवी है, अगर वो खत्म हो जाता है दुर्घटनाओं में तो उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। अक्सर आप लोग देखते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी बहुत स्टोरियाँ आती रहती हैं कि परिवार वालों के साथ क्या बीतता है। तो हमको अगर अपने जीवन की रक्षा करना है तो सड़क में हमको सुरक्षित चलना पड़ेगा, दारू पी करके नहीं चलना है, हेलमेट जरूर लगाना। हम क्या देखते हैं कि लोग हेलमेट तो ले लेते हैं कि आगे पुलिस मिल जाएगी, परंतु आपको पुलिस के डर से हेलमेट नहीं लेना है, आपको अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट लेना है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जब चलते हैं तो कभी इधर देखते हैं, इधर ये मॉल बना हुआ है, यहाँ पर ये दुकान है, वहाँ पर ये दुकान है, इधर उधर देखने लगते हैं। हमको जब चलना है बाइक में तो जो ड्राइवर हो उसको सीधे सामने देखना है, अपनी निगाहों को इधर उधर नहीं करना है, दुर्घटना का ये भी एक कारण होता है। तो हमें लगता है कि ये जो अभी हमने आपको जो एक छोटा सा हमारा प्रयास रहा, आज उनकी छुट्टी के दिन आपको हम बुलाए हैं, तो कुछ सार्थक रहा, आप लोगों को बहुत कुछ सोचने के लिए समझने के लिए मिला है। समर्थ साहू का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में इतनी बहुत बड़ी बात आपको बता दी, लगभग लगभग हर चीज़ को उन्होंने टच किया है, किस प्रकार दुर्घटनाएँ होती हैं, अगर दुर्घटना हो जाए तो हमको फिर क्या करना है, नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमको जाना है, पुलिस को फ़ोन करना है, 112 नंबर में फ़ोन करना है, हमको ये ध्यान देना है दुर्घटना होने के बाद कि हमारे सबसे नज़दीक कौन है उसको सबसे पहले फ़ोन करें। हमारा घर तो मान लो 500 किलोमीटर है, वहाँ से कोई आ नहीं पाएगा, अगर दुर्घटना ये है तो हमारे यहाँ नज़दीक परिचित कौन है, दोस्त कौन है, सबसे पहले हम उसको कॉल करें, उसको बुलाएं, पुलिस को बुलाएं, ये करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समर्थ साहू को, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, ये रीजनिंग के वीडियो लगभग 150 वीडियो इन्होंने बनाया हुआ है, जो लड़के प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हों तो इनका रीजनिंग स्पेशल क्लासेज नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, तो इनके बहुत ज़्यादा वीडियो हैं। आप लोग जब BA BSc में फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर भी रीजनिंग का एक क्लास है, तो उसी के दृष्टिकोण इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसमें एक पूरा सिलेबस मिल रहा है, आप लोग सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। तो अब चूँकि समय बहुत हो गया है, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को टाइम दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने नाम लिखाया हुआ है कि सर हमको भी बोलना है, तो बहुत कम 5-5 मिनट आएंगे। तो सबसे पहले मैं साक्षी तिवारी को आमंत्रित करता हूँ, मेरे क्लासमेट जितने हैं उन सबका भी स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ आपको सड़क सुरक्षा योजना, जो सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चल रहा है उसके विषय में बताना चाहती हूँ कि सड़क सुरक्षा नियम इतने चलाए जा चुके हैं कि हद से ज्यादा हर जगह पोस्टर लगे हैं, सरकार इसमें कोई कमी नहीं कर रही है, ट्रैफिक रूल्स बनाती है, ट्रैफिक हर जगह सिग्नल लगवाती है, पर क्या करेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है भारत एक ढीठ, भारत जो है ढीठ नागरिकों का देश है, यहाँ पे कुछ भी कर लो नहीं होने वाला, जब तक डंडा पुलिस नहीं उठाती है तब तक कोई यहाँ पे कोई नहीं सुनता है। तो अब कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझिए और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। हम यहाँ के देश के युवा हम लोग हैं, हम लोग अगर आगे बढ़ के, अगर हम लोगों ने इतने जितने लोग हैं, अगर इतने लोगों ने ये कदम उठा लिया तो लगभग मैं कहती हूँ कि लगभग 50% ये जो हमारे अतर्रम ही हो रहे हैं ना, जितने भी हो सकते हैं, अगर हम लोगों ने जितने लोग हैं यहाँ पे वो अपने घर में बताएंगे और जितने यहाँ पे हैं, अगर उन लोगों ने पूरे पूरे नियम फॉलो किए तो मुझे नहीं लगता कि उन पे ज्यादातर कोई आपत्ति आएगी। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए, जो भी बताए जा रहे हैं। मेन चीज ये है कि आप हेलमेट लगाइए, आप जो क्रॉस करते हैं रोड वो क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग से पार कीजिए, और भी बहुत सारे नियम हैं, आप लोग सब बताए जा चुके हैं, बस उनको फॉलो करिए। अपने एक जिम्मेदार आमंत्रित करता हूँ मैं, सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों, मेरे सहपाठी और इस मंच पर उपस्थित सभी शिक्षक बंधु का बहुत बहुत आभार अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर दो शब्द सड़क सुरक्षा के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि कम से कम बुलाया तो सही, भले ही 5 मिनट के लिए बुलाया। ध्यान दीजिए, आज की जो युवा पीढ़ी है 10 वर्ष से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, ज़्यादातर इसमें बॉयज ही होते हैं, गर्ल्स कम होती हैं। तो मैं बॉयज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कम से कम अपने जीवन के बारे में तो सोचें, अपना ये जीवन बहुत अमूल्य है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कितने कष्टों से देती है, और जब वो पैदा हो जा बच्चा पैदा होता है और ये सब हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, उसे कितना कष्ट होता है वो उसका दीदी जानता है, लेकिन उसका कहना बच्चा नहीं मानता, कितना भी कहे लेकिन वो नहीं सुनता। जो ढीठ होते हैं कुछ लोग वो खासकर नहीं सुनते, इनमें लड़कियां भी काफ़ी आती हैं, तो
ज्यादा रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं। इंस्टेंट जिंदगी इतनी अमूल्य है कि इसको मतलब दिखाने का भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि दिखाने का मौका नहीं मिलना, दिखाने का भी मौका मिलेगा, लेकिन एक उम्र तक तो परखिए कम से कम, जिंदगी को जीने का मौका तो दीजिए। ये नहीं कि 10 साल के हुए नहीं 11 साल के गाड़ी चलाते बनने लगी, बढ़िया हाईवे में निकल आते हैं काफ़ी तेज स्टंट मारते हैं, तो वो स्टंट कम मारें, जिंदगी बहुत अमूल्य है, इसको जिंदगी जीने का मौका दीजिए, बहुत कुछ करेंगे आप लोग अपनी लाइफ में। अगली प्रतिभागिनी के रूप में भावना उपस्थित अपने गुरुजनों और अतिथियों को गरिमा की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। सड़कें हैं तो गति है, सड़कों से प्रगति है, सड़कें विकास का मानक, दूरियां घटती हैं, सड़कें सबको जोड़े, नजदीकियां बढ़ती हैं, जरा सी लापरवाही जिंदगियां हरती हैं। सड़कों पर यात्रा करते समय यातायात के नियमों का पालन करना सड़क सुरक्षा का एक विशेष महत्व है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में सड़क सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, यातायात के नियमों का ना पालन करने के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं केवल सड़क दुर्घटना के कारण ही होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इतने व्यक्ति तो कोरोना महामारी में भी नहीं मारे गए जितना कि प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 4,50,000 एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख व्यक्ति केवल सड़क दुर्घटना में ही मारे जाते हैं। तो कोई भी आमूलचूल परिवर्तन जनमानस की भागीदारी के बिना संभव नहीं है, और अब हम जिन्होंने परिस्थितियों को बद से बदतर बना रखा है, ये अब हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। सड़क पर कोई भी दुर्घटना होती है बड़ी ही आसानी से प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इसके लिए मनुष्य अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो बेहतर है। सरकार हमें सड़क तो बनाकर देती है, लेकिन सड़कों पर यातायात के नियमों का पालन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। सड़कों पर यातायात पुलिस चाहे कितनी भी मुस्तैद हो, लाख जागरूकता अभियान चला लिए जाएं, पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा कि कहा गया है कि सोते हुए को तो जगाना आसान होता है, परंतु उसे नहीं जो सोने का स्वांग रच रहा हो। तो हमें व्यक्तियों को समझाना ही होगा, और ये जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमें एकजुट होकर निभानी होगी। इसलिए वाहन नियंत्रित गति में चलाएं और जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। तो सुनो भारत के नवयुग को, पुनः नया निर्माण करें, जन जन के जीवन में फिर से सड़क सुरक्षा का ज्ञान भरे, वही गली है वही सड़क है वही रास्ते सड़क वही, फिर भी आते जाते हैं हम डरते सड़क या मार्ग जीवन मनुष्य के जीवन की वह एक कड़ी है जो मतलब उसके लक्ष्य या सपनों को सपनों तक पहुंचाती है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा है मनुष्य की उसकी मंजिल उसके सपने ज़्यादातर सड़क से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम जाते हैं जैसे कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई किसी से मिलने जा रहा है, तो सड़क से होकर ही जाएगा ऑब्वियसली। तो इस पर एक यह है मैंने लिखी है दो लाइन की, क्योंकि ये सड़क नहीं जलिया वाले बाग दिखाई देते हैं, हाँ क्योंकि यह सड़क नहीं जलिया वाले बाग दिखाई देते हैं, सैकड़ों से भी ज़्यादा जहाँ हर रोज दुर्घटना होती है वो लापरवाह कुछ ऐसे देश होते हैं, हाँ कि कुछ लापरवाह ऐसे देश होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस पर विवेचना करें कि हमें मतलब क्या रूल अपनाने चाहिए, क्या नहीं अपनाने चाहिए, किस पर हमें किन रूलों पर अमल करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए। तो क्या है कि जैसे कि थोड़ा 10 पॉइंट है कि हेलमेट लगा कर चलें, ड्राइव करते समय सीट बेल्ट पहने, और ड्राइव जब आप करें तो ड्रिंक ना करें, और अगर ड्रिंक कर रखी है तो आप जो आपके साथ में उसको ड्राइव करने दें, आप ड्राइव ना करें, और फोन सबसे ज़्यादा फोन का यूज़ ना करें,
आजकल क्या है कि लोग ईयरफोन लगा लेते हैं, फोन जेब में डाल लेते हैं, फिर ड्राइव करते हैं, ये सब ना करें। और खासकर बॉयज के लिए है कि प्लीज वो ना करें। और लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, ड्राइव करते समय कहीं बाल संवारेंगे, लिपस्टिक मेकअप वगैरह वो भी ना करें। प्लीज मैं सबसे निवेदन करती हूँ, ये सब आप ना करो जब ड्राइव करो। और जब जब आप ट्रैफिक में हो तो बिल्कुल ये सबका बिल्कुल ध्यान दो। बाकी मैं ये नहीं कहती, आप जैसे आ रहे हो ट्रैफिक नहीं है तो थोड़ा बहुत चलता है, ज्यादा तो सब अपना नहीं पाएंगे, सब जानते हैं। तो फिर आप लोग ना अपनाओ। जी हाँ, कि ये वही कारण है जिन्हें करने से मनुष्य अपनी जान, जिन्हें ना करने से अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो प्लीज इन्हें थोड़ा बहुत करते, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। थोड़ी और मैंने एक चीज लिखी है इस पर कि सबसे ज्यादा आंकड़ों में देखा जाए तो भारत देश ही है जहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही है, या फिर होती है या हो चुकी है। तो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, इनका कारण सबसे ज्यादा यही है जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया उन्होंने कि स्टैंड करना और ये हेलमेट ना चलाना वगैरह, मैं भी बता चुकी हूँ। तो ये जो, क्योंकि ये जो मतलब 84 लाख योनियों से जन्म लेने के पश्चात मनुष्य को इस मानव जीवन का लाभ मिला है, तो इसे यूं ही ना गवाएं। वह वाहन चलाते समय थोड़ी सी असावधानी किसी के घर के चिराग को मिटा सकती है, किसी के माथे का सिंदूर मिटा सकती है, और किसी की बांधने जाने वाली कलाई को मिटा सकती है। तो प्लीज ऐसा ना करें। अतः मेरी दृष्टि से यातायात के नियमों का बृहद रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप लोगों ने टीवी पर सब प्रचार आते हैं कि ये मेकअप का प्रचार हो रहा है, आज इस बाइक का प्रचार हो रहा है, इस कार का प्रचार हो रहा है। कभी किसी ने देखा है कि आज इसका प्रचार हो रहा है कि आप ये रूल अपनाओ, ये नियम अपनाओ, आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। टीवी पर इसका भी प्रचार होना चाहिए और ये सब चीजें अखबार में भी आनी चाहिए। हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, ज्यादा तक आपको समझा सकते हैं और आपके द्वारा किसी और को समझा सकते हैं। बाकी सबका ठेका थोड़ा लेके रखा है, बता भी सकते हैं, लेकिन अब आप, मैं बोल दूंगी, आप बोल दोगे, अब आपको सामने वाला बोलेगा अरे चल निकल, मैं थोड़ी ठेका ले हूँ, तो थोड़ा बताएगा। तो मैं बोलती हूँ अगर सबको दिखाना है तो सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, इन सब पर भी इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। एक ऐड होना चाहिए, मेरे ख्याल से एक ऐड होना चाहिए। आपको दिखना, लोग इस पे क्या है कि प्रेम नहीं ले लेते। यूट्यूब में जो बच्चे सेल्फ परचेज करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो प्रचार ना आए इसके लिए प्रेम लेके रखते हैं। तो जो प्रचार आ रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से मैं रोड रोड के तो नहीं आते होंगे, सब ऐसे ही आते होंगे बेफजूल के, तो ये प्रचार आए, मैं तो ये कहती हूँ होना चाहिए। गवर्नमेंट से इस पर हमको बात करनी चाहिए। तो कि फिर से देखो दाएं बाएं, अगर जो मोटर गाड़ी आए, हाँ कि फिर से देखो दाएं बाएं, अगर जो मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई, तो तभी जरा रुक जाना भाई, तभी जरा रुक जाना भाई। अतः महोदय, जान है तो जहान है, एक नारा है ना कि जान है तो जहान है। तो कि यदि इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएंगे अपना अपना, हाँ कि यदि इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएंगे अपना अपना, तब वे दूर नहीं जब दुर्घटना रहित होगा देश अपना। हाँ, जब दुर्घटना देश रहित होगा। कहा जाता है कि संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है, और इस संघर्ष रूपी जीवन में हमारे साथ रोज कुछ न कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। उनमें से मुख्य है मानवीय भूल के द्वारा वह घटना जिसमें अपार जनधन की क्षति होती है, सड़क दुर्घटना कहलाती है। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना के कारण 1.35 मिलियन से अधिक मौतें एवं 50 मिलियन से अधिक गंभीर रूप से शारीरिक चोटें आती हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय लोगों की गलतियों के कारण सड़क दुर्घटना और सड़क सुरक्षा, सड़क के किनारे लगी चोटों के खतरे को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा एक सुरक्षात्मक कदम है। हमारी जनसंख्या तो चीन से कम है, लेकिन हम सड़क दुर्घटनाओं में अव्वल। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं घटती हैं। मुझे एक बात बताने में दुख महसूस हो रहा है कि जितने लोग हमारे देश की सीमाओं में शहीद होते हैं, जितने लोग प्राकृतिक आपदाओं में मारे जाते हैं, उनसे कहीं कहीं ज्यादा गुना लोग सड़क दुर्घटनाओं में अनायास चलते ही मारे जाते हैं। और इनमें मारे जाने वाले व्यक्तियों में 60% युवा ही होते हैं, जहां एक तरफ हम युवा आबादी पर गर्व करते हैं,
जाने कितने ही जीवन दफन हो गए, जाने कितने ही जीवन दफन हो गए, ये वाहन है चलते कफन हो गए। सड़क दुर्घटना किन कारणों से होती है? सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है वाहन चालकों की गैर जिम्मेदारी, ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग और गलत तरीकों से ओवर ट्रैकिंग करना, शराब पीना। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार और सरकारी नियमों का उल्लंघन करना भी सड़क दुर्घटनाओं की मुख्य वजह है। जहां एक तरफ हम वाहनों का, वाहन चालकों का प्रशिक्षण और पुराने वाहनों का परीक्षण कागजों पर ही हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वाहन सड़क पर अयोग्य वाहन चालक आ रहे हैं और सड़क पर खजाड़ा वाहन फटारा भरकर सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित दे रहे हैं। आज कुछ अभिभावक अपने किशोरमय बच्चों को वाहन दे देना अपनी हैसियत का परिचय समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि यही बच्चे सड़क पर जाते हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और ओवर स्पीडिंग करते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग फोन पर बात करना और फोन पर बात करना से भी नहीं चूकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मित्रों कि सड़क आपकी पूरी चेतना चाहती है। जरा सी लापरवाही भी सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। कहा गया है कि सावधानी है दुर्घटना घटी। सड़क दुर्घटनाओं के उपायों की बात की जाए तो सबसे बड़ा उपाय यह है कि वाहन चालक अपने अंदर एक ऐसी जिम्मेदारी की भावना लाए, सड़क के नियमों के प्रति ऐसी जिम्मेदारी की भावना लाए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। और वो भावना क्या सरकार लाएगी या आप और हम बैठे एक सभा में व्यक्ति लाएंगे? हम नहीं लाएंगे। उन्हें स्वयं सोचना होगा कि सड़क पर सुरक्षित रहना और दूसरों को सुरक्षित रहना उनका नैतिक कर्तव्य है। जो अभिभावक अपने बच्चों को वाहन दे देना अपनी हैसियत का परिचायक समझते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वे उनके जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार पिता होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इतना ही नहीं, जो फोन पर बात करने और संगीत सुनने से भी नहीं चूकते हैं, वो जरा अपनी जिंदगी के इस मूल्य को सोचे और अपने उन अवसरों को याद करें जिन्हें जीना है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तत्पावा, किंतु हम थोड़ी जल्दीबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। इतना ही नहीं, युवा आज हेलमेट लगाने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम हेलमेट लगाएंगे तो हमारे बाल खराब हो जाएंगे। जरा सोचिए कि ये बात आपकी जिंदगी से ज्यादा भर गई है। इतना ही नहीं, उन पक्षियों को देखिए जो आकाश में कतारबद्ध तरीकों से उड़ सकते हैं किंतु हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। और यदि वो कतारबद्ध तरीकों से उड़ सकते हैं तो हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी कर सकते हैं, हम ट्रैफिक नियमों का पालन भी कर सकते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मरने वाला तो मर जाता है किंतु उसका पूरा परिवार उस शहादत को झेलता है, उसका पूरा परिवार बिलखता है, रोता है। बुंदेलखंड की धरती से मैं बात बताने आया हूँ, मुहिम चलाने नहीं प्रत्येक के मन में मुहिम जगाने आया हूँ। आया हूँ परिवर्तन की यातायात नियमों की बात लेकर नहीं होगी कोई दुर्घटना अगर हम चलेंगे यही सशक्त इरादे साथ लेकर कहता हूँ जो बात में सुन लो प्यारे बाबूजी सड़क सुरक्षा की सब बातें गुन लो प्यारे बाबूजी। ग्रीन लाइट होने पर ही जेब्रा क्रॉसिंग पार करें, हम भी तो अपने जीवन से भाई चाहे थोड़ा प्यार करें। लाल हरी और पीली बत्ती हमसे कुछ तो कहती है। ना जाने कितनी दुर्घटनाओं को ये गुमसुम सहती है। सुन लो कहने आया हूँ मैं सड़क सुरक्षा की बातें। सरकारें सब गड्ढे वादों आने वाली है बरसातें। बरसातों से पहले नालों की भी साफ सफाई हो। कहता हूँ जो बाद में सुन लो प्यारे भाई हो। गाड़ी में बैठना तो बेल्ट बांध लेना, जिधर चाहो उधर मुड़ जाना पर पहले डिब्बा दे देना। हेलमेट की महिमा नारी तुमको मैं बताता हूँ। और इसके मूल मंत्र को तुमको मैं समझाता हूँ। या फिर उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। मैं कहना चाहूँगा क्योंकि ये सड़क नहीं है, जलिया वाले बाग दिखाई देते हैं। हर एक सड़क में एक नया एक्सीडेंट दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक वो कहूँगा मैं,
दुर्घटना दो कारणों से होता है, कि सामने वाले की लापरवाही की वजह से या फिर स्वयं की गलती से। नशे की हालत में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय बात करना, ये वो कारण है मनुष्य के जीवन के जो खुद की जान खतरे में पड़ती है और दूसरी की जान भी खतरे में पड़ती है। मैं बता दूं सबसे ज्यादा दुर्घटना कहाँ होते हैं, हमारे भारत देश में होते हैं, क्योंकि यहाँ किसी की थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं होती। जर से जाम लगने पर या देर होने पर अपने वाहन को ओवरटेक तेजी से बढ़ाना या फिर दुर्घटना का शिकार होता है वो। मैं आपको एक वो कहूँगा, अपनी जान तो प्यारी, अपने माँ बाप की जान प्यारी, अपनी भाई बहन की जान प्यारी। तो मैं यहाँ सभी बैठे हैं वाहन चालकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यातायात के नियमों का पालन करें और दूसरे को प्रेरित करें। अपनी सुरक्षा निर्भर कर जय। बहुत बहुत धन्यवाद भी हमारे जो भी विभागियों ने और छात्राओं ने जो भी वक्तव्य दिए, बहुत बहुत अच्छा दिया, बताया कम से कम अपनी बात बताई कि किस प्रकार से हमको अपने जीवन की रक्षा करना है, किस प्रकार से हमको सड़क में किन नियमों को पालन करना है। तो आप लोगों ने बढ़िया प्रयास किया है, बढ़िया बोला है। अब क्योंकि समय कम है और आज ही हमने पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया हुआ है, तो पोस्टर प्रतियोगिता हम शुरू करेंगे। अभी समय का अभाव है, तो आप जहाँ पर भी हैं, जो भी पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, तो सर हमारे जो निर्णायक हैं सर रहेंगे, मुकुटित महोदय रहेंगे और हमारे सभी जो मंचासीन हैं लोग आपके पास आएंगे। आप अपना पोस्टर उसी स्थान पर खोल लीजिएगा और वहीं से आप बैठे बैठे पोस्टर को सर को दिखा करके आप उसी पर डिस्कस करिएगा। जो भी आपकी क्वेरी सर पूछेंगे उनका आप आंसर देते जाइएगा और सर वहीं पर आपको मार्किंग करते जाएंगे। बाद में सर ही हमको निर्णय दे देंगे और उसमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का आज ही निर्धारण। क्यों समर चल नहीं रहा क्या? चल नहीं रहा क्या? बंद अब है बंद। मंचासीन डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मोहम्मद हलीम जी, अतुल जी और समर, प्रिय छात्र छात्राओं, बड़ी खुशी और अपॉर्चुनिटी का विषय है, सौभाग्य है जो मुझे आज सतीश जी ने मुझे अवसर दिया आप लोगों के बीच में आने का और आप लोगों के पोस्टर को जज करने का। पोस्टर जज हो चुका है, मैं नाम की घोषणा भी करूँगा, पर उससे पहले बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने बताई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। कुछ बच्चों ने कविताओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है और हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए। आज का जो पिछले 10 साल का डिकेट रहा है वो सड़क निर्माण का ही रहा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हों या वर्तमान में जो अभी जो यातायात मिनिस्टर हैं दैट इज़ द नितिन गडकरी जी, सबसे ज़्यादा रोड इसी दशक में बने हैं और बहुत अच्छे रोड बने हैं और इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी कर दी गई है कि हम कहीं भी दिल्ली, यहाँ से दिल्ली जाना हो तो हम 5 घंटे में दिल्ली पहुँच सकते हैं, इतनी अच्छी रोड है। पर हर रोड के अपने नियम हैं और उस नियम का पालन हमें नहीं पता होता है, जो कस्बों या शहरों में बाइक या गाड़ियां चलाते हैं उन नियमों को नहीं जानते हैं और इसीलिए एक्सीडेंट होता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट एक्सप्रेसवे पे ही होता है क्योंकि वहाँ पे लेन बने होते हैं बेटा, और हर लेन की स्पीड अलग अलग होती है। अगर आपको 100 से ऊपर स्पीड में चलना है तो उसका लेन अलग है, अगर उसमें अगर आप 60 की स्पीड से चलेंगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है, ठीक है। तो उस नियम को जरूर जानना चाहिए जब हम एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने बताई कि ड्रिंक करके नहीं चलना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी एक पैशन था शुरू में, राजेश खन्ना की एक मूवी आई थी अंदाज 80 के दशक में, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन,
ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक पैशन का दौर था, पर वह दौर अब खत्म हो चुका है। अब आपको, तब इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, अब तो कदम कदम पर रोज पेपर भरा पड़ा रहता है। आप किसी अतर्रा में, बांद्रा से चित्रकूट के बीच में रोज दसियों एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उस एक्सीडेंट का मात्र एक कारण होता है, ओवर स्पीड और ओवरटेकिंग। केवल दो चीज होता है, ओवर स्पीड ड्रिंक करके एक्सीडेंट होते हैं, पर वो मेजर होते हैं, पर जो माइनर एक्सीडेंट ज्यादातर होता है ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी बच्चे जो बाइक चलाते हैं इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। हेलमेट तो जरूर पहने, कम से कम सिर सुरक्षित रहेगा तो हाथ पैर टूटेगा तो वो ठीक हो सकता है, पर अगर सिर टूटा तो फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपके पोस्टर हमने देखे, सभी के पोस्टर बहुत अच्छे रहे, बहुत अप्रिशिएटिंग रहे, लेकिन मुझे चुनाव करना था, कुछ तो देना था फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो साक्षी तिवारी आप फर्स्ट पोजीशन में आई हैं, प्रियंका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर आप सेकंड पोजीशन पे हैं बेटी, रिचा कुशवाहा बीएससी एजी सेकंड सेमेस्टर आप। थैंक यू।